क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, वहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। वैसे तो हल्की फुहार इस मौसम में फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भरना शुरू हो गया है, जिससे ताजा बोई गई फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। खेतीबाड़ी विभाग के अधिकारी अमरीक सिंह ने कहा कि आजकल हो रही बारिश ऊंचे इलाकों के लिए फायदेमंद है, लेकिन निचले इलाकों में ये बारिश फसलों को खराब कर सकती है। अमित सोनी सुजानपुर तो मैं किसान है। ये जड़ी दो दिन तो बारिश चल रही है लगातार, इस वेले तक तो ठीक है जी, लगातार चलती रही तो आने वाले समय च कनक लई भी नुकसान होएगा, क्योंकि इन्ना पानी कनक लई बहुत हानिकारक होंदा है, खेतों में पानी खड़ा हो जाता, तो साढ़े इलाके जी मटर की फसल है वह भी खराब होएगी, ये जिस कारण खेतीबाड़ी अगे डाउन चल रही है, तो जिमीदारा तो बहुत माड़े हालात अगर निकल रहे हैं, तो बारिश रुकनी चाहिए है, नहीं तो आने वाला समय फार्मर लिए बहुत खराब हो सकता। प्रेम सिंह सयान बोलता जी, ये जो बरसात हो रही है बड़ी वधिया है, ठीक हुई है, पर जो लगातार चालू हो गई है ये माड़ी है कण फसल वास्ते, तो अं तो चाहते भी बारिश अज के दिन से रुकी नहीं, ठीक है जी, हूँ पैली पानी खड़ा गया वो कणक भी बह ही जानी सड़ी जानी कणक, वो ये प्रॉब्लम आ रही है बारिश की, तो अं चाहते रब करके बारिश बंद ही हो जाए ठीक जी। ज़्यादा बारिश हो तो फिर नीवियाँ पैलियाँ नुकसान है जी, साढ़े भी सवेरे नीवियाँ पैलियाँ मुड़ा भेजा जब कि पानी पुनी कोई पानी नहीं पदरी खाली पैलियां पैं जी, इसलिए जी बारिश है बहुत ही वधिया जिमीदार दे हाथ जिदा कि पिछले अं देखा है कणक वगैरह भी है उन्होंने नुकसान हो सकता। हाँ हो सकता जी, ज़्यादा बारिश हो जाए, जे बारिश लगातार लगी रही पानी पानी खड़ा हो गया फिर नुकसान है, अगर इदा किड़मन किड़मन लगे रहा तो कोई अटा जिमें कि मौसम विभाग ने भविखबड़ी की थी कि 12-13-14 बरसात ज़्यादा पेगी, तो वो मुताबिक जी कल तो जो बरसात शुरू हुई है ये जी हड़िया मेन फसल जीडिया ने कणक गन्ना जड़ा वा जां सब्जियां ने इन जो प्रभावित हो सकदियां ने, तो ये जो कणक की गल करिए कणक कुछ साढ़े इलाके चंगी भी है बरसात, तो कुछ इलाकों वास्ते माड़ी भी हैगी है, जोड़े उच्चे इलाके है जिदा नीम पहाड़ी इलाका वा उस इलाकों वास्ते तो जी बरसात जी बहुत वधिया, क्योंकि उत्थे जी सिंचाई वास्ते जी लोगों जो पानी जो मिल गया वा, कुछ साढ़े इलाके जे जो नीवे इलाके है जिस तरह पठानकोट जिले में भुआ इलाका वा गुजरात पिंड है चश्मान पिंड है इस तरह के पिंड जोड़े ये पानी जोड़ा वा वो तकरीबन जोड़ा वा खड़ गया होगा पैली के, तो उत्थे जी जी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ जो इलाके जो जो उच्चे है जो कि नॉर्मल इलाके ने उन्होंने कणक वास्ते बहुत वधिया बेहतर है, क्योंकि पहला पानी जो लगना ही हूँ नहीं लगेगा तो पानी की जी बचत काफ़ी हो जाएगी, इस तो बाद जो ठंड बढ़ेगी तो वह बरसात वो जी कणक की फसल वास्ते बहुत ही ज़्यादा वधिया रहेगी, क्योंकि वो जी टिलिंग जी ज़्यादा होएगी, कोहरा भी पेगा धुंध भी पेगी, सो जेकर गल करिए आप कमाद की कमाद के जी ताकि पर्चिया ने वो थोड़ी लेट हो सकती है, एक ढोआ ढोई लेट हो सकती है, क्योंकि जी कटाई लेट होने जी आमद जी गन्ना मिलों के वो थोड़ी लेट हो जाएगी, सो ये कुल मिला के आप देखिए तो जी फसल जी बरसात पई है कुछ इलाकों वास्ते वधिया वा कुछ इलाकों वास्ते माड़ी भी हैगी है, पर जो किसानों को बेनती यही है कि जिते नीवे इलाकों के पानी खड़ जाता वा उन्होंने छेती तो छेती किसी भी तरह उन्होंने बाहर क्ढ़या जाए ता जो कणक की फसल में जोड़ा वा वो नुकसान ना पहुँचे, इस तो अलावा जेकर कि बाद 4-5 दिन बाद जो पानी ज़्यादा ज़्यादा खड़ गया वा उत्थे कणक जी कुछ पीली पै सकती है, तो उत्थे 3 किलो यूरिया की 100 लीटर पानी घोल के एक छिड़का कर दें गए तो साड़ा काफ़ी नुकसान जोड़ा वा वो घट हो जाएगा। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस,
वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कम टू डिस्काउंट वेयरहाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर, डिफेंस रोड, विक्टोरिया स्टेट, पठानकोट।